हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आज हम लोग छोटे बच्चों का, यानी कि मेरे पास 4 साल की बच्ची है, उसका डेंटल चेकअप का वीडियो बना रहे हैं कि कैसे डेंटल चेकअप किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं या पेरेंट्स होते हैं जो जिनके बच्चों के दांतों में प्रॉब्लम होती है, कैविटी होती है, लेकिन वो डेंटिस्ट से विजिट करने से डर लगता है उनको कि पता नहीं क्या कर देंगे, तो वो डेंटल फियर होता है। तो मैं आज आपको लाइव दिखा रही हूँ कि बच्चों का डेंटल चेकअप कैसे किया जाता है। आप अपने छोटे बच्चों को दिखा सकते हो जिससे उनका जो डेंटल फियर है वो दूर होएगा। चलो देखते हैं कि इस बच्चे के दांतों में क्या प्रॉब्लम है, तो चलिए देखते हैं मेरे साथ। ओपन योर माउथ, ओपन, पूरा ओपन करो, खुली खोलो पूरा। ओके, वेरी नाइस, खोलो। ओहो, इधर एक कैविटी है बेटा, खोलो मुँह, खोलो 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 मुँह, खोलो। वेरी गुड, बंद कर लो। सो ये हमने किया, छोटी बच्ची है ये 4 साल की, उसका डेंटल चेकअप। उसके कोई भी टीथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटी सी कैविटी है, वो हम लोग फ्लोराइड एप्लीकेशन से ठीक कर सकते हैं, मतलब वो इनिशियल स्टेज है। तो इस बच्चे के कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके बच्चे के भी डेंटल चेकअप करवाना है तो आप बेझिझक किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके उसका डेंटल चेकअप करवाइए। अगर स्टार्टिंग में कोई भी इनिशियल कैविटी शुरू हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ज़्यादा कैविटी बड़ी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है और वो थोड़ा सा पेनफुल होता है। तो पेनफुल होने की वजह से बच्चे उससे डर जाते हैं और आगे जाके डेंटिस्ट के प्रति उनके मन में डर बैठ जाता है, क्योंकि पेनफुल अगर प्रोसीजर करेंगे तो बड़े होने के बाद माइंड में हमेशा ये डर रहता है कि डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो दर्द होएगा। इसलिए अगर आप बेझिझक होके अपने बच्चों का डेंटल चेकअप करवाइए। आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।